Hello everyone, today we will learn about adjectives. So first of all, you all are welcome to this educational channel Crazy English. So today's topic is adjectives, which means visheshan. What do you mean by adjective or adjectives? Adjective kya hote hain? एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन, मतलब नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन के बारे में उसकी खासियत बताते हैं कि नाउन के बारे में और जानकारी देते हैं. और हाउ डज इट साउंड, टेस्ट, लुक, फील और स्मेल, दीज ऑल थिंग्स आर डिस्क्राइब थ्रू एडजेक्टिव्स. यानी कि नाउन के द्वारा इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, ये खासियत, इन चीज़ों को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं. देखिए जैसे ये हमें बताते हैं कि हाउ मैनी आर देयर, तो यहाँ थ्री बियर्स बता रहा है, थ्री बियर्स, तो यहाँ थ्री वर्ड जो है ये एडजेक्टिव हो गया और बियर जो है नाउन हो गए. बियर्स, बियर्स की विशेषता बता रहा है, बियर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, तो थ्री वर्ड जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव. इसी तरह एडजेक्टिव्स काइंड्स बताते हैं, व्हाट काइंड इज़ इट, यानी व्हाट काइंड अ नाउन इज़, नाउन किस काइंड का है. जैसे यहाँ नाउन हो गया डॉग, तो डॉग की विशेषता बता रहा है शॉर्ट या स्किनी, तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव होंगे. नेक्स्ट, विच वन इज़ इट, ओल्ड और वाइट हाउस. सो इन दिस phrase, house is a noun and words old and white, old and white, these are adjectives in this phrase. Now look over here, what qualities has it got, like flower is the noun and adjective which describes the flower is beautiful, so beautiful is the adjective. What color is it? Bright red ruby. So here red ruby is the noun and red is the adjective which shows or which describes a noun. So in this way you can find the adjective in any of the sentences. जैसे जब आपने देखा कि किसी सेंटेंस में नाउन क्या है और नाउन की जो विशेषता है वो कौन से वर्ड बता रहे हैं, नाउन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है, वो एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है. लेट्स सी फर्दर, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन और नाउन्स and pronoun or pronouns in a sentence. मतलब एक adjective जो है वो describe करता है या modify करता है, क्या modify करता है, किसी noun या pronoun को. एक sentence में जो noun या pronouns होते हैं उनके बारे में और जो जानकारी देता है वो adjective कहलाता है. It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, contents and more about a noun or pronoun, which means कि किसी भी sentence में जो noun या pronoun होते हैं उनको जो words describe करते हैं वो adjective कहलाते हैं, उनको adjective कहा जाता है. Some more definitions of adjective. Adjective is a word which describes a noun or pronoun. Or adjective is the word which is used to modify a noun or pronoun. ये दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा एक और चीज़ जान लीजिए, एडजेक्टिव में जो होते हैं जितने नंबर्स आ जाते हैं, अगर किसी सेंटेंस में नाउन से रिलेटेड नंबर्स होंगे या कलर्स होंगे तो ये सारे एडजेक्टिव होते हैं. और इनके अलावा यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आइए देखिए कौन कौन से हैं इसमें. टॉल,
short, tall, short, green, blue, big, small, some, many, five, ten, fat, thin, thick, etc. तो इस तरह के जितने वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करिए, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि एडजेक्टिव आंसर दीज क्वेश्चंस। जब हम किसी सेंटेंस में नाउन से ये क्वेश्चन करते हैं कि विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी या हूज, नाउन से इस ये क्वेश्चंस करने पर जिस वर्ड को इंडिकेट करता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। ओके, नाउ लुक ओवर हियर, व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपको बताया गया अभी कि कलर, तो कलर में जैसे आ गए ये सारे, देखिए पर्पल, पिंक, ब्लू, ग्रीन, रेड, इनके अलावा आप और भी कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लैक एंड सो ऑन। इसके साथ नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं, या नंबर्स में आप ले लीजिए एनी ऑफ द नंबर्स, 50, 12, 100, 15, 35, 35 और सो ऑन। और इनके अलावा नंबर को ये वर्ड्स भी इंडिकेट करते हैं, जैसे फ्यू, मेनी, टू, सेवरल, 13। नेक्स्ट आ जाता है साइज। साइज में लार्ज, टाइनी, एवरेज, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल और बहुत से वर्ड्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट होगा टेक्सचर। इनसे रिलेटेड ये सारे वर्ड्स, ये जितने यहाँ पर आप लोग वर्ड्स देख रहे हैं ये सब एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। टेक्सचर में आ जाता है रफ, फ्यूरी, बम्पी, सिमी एंड स्मूथ। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये टेक्सचर बताते हैं, यानी नाउन का टेक्सचर बताते हैं, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। टेस्ट में आ जा रहा है वर्ड्स, देखिए सौर है, स्वीट, चार्ट, बिटर, सॉल्टी। इसी तरह वेदर अगर बताना है तो वेदर के लिए जो वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं, इसको जो डिस्क्राइब करते हैं वेदर को, जैसे सनी, रेनी, स्टॉमी, विंडी, मिल्ड, ये सारे वर्ड्स यहाँ एडजेक्टिव हैं। साउंड में लाउड है, शार्प, सॉफ्ट, क्वाइट या प्लीजेंट। और फिर लास्ट है शेप, जो शेप इंडिकेट करते हैं, जैसे राउंड, फ्लैट, स्क्वायर, सर्कुलर, ओवल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड सो ऑन अदर शेप्स। तो ये सारे वर्ड्स, ये तो नॉर्मली आपको यहाँ पर सारे एग्जांपल्स बताए गए हैं कि ये सारे इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। कुछ और वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए जैसे इंटरेस्टिंग वर्ड होगा, तो इंटरेस्टिंग से रिलेटेड क्या हो जाते हैं यहाँ, एब्जॉर्बिंग, एम्यूजिंग, कैप्टिवेटिंग, कंपेलिंग, डाइवर्टिंग, एंगेजिंग, एंग्रोसिंग, एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग। नेक्स्ट आ गया अमेजिंग वर्ड, अगर है अमेजिंग से रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे एस्टोनिशिंग, ऑसम, ब्रेथ टेकिंग, ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैबुलस, फैंटेस्टिक, इनक्रेडिबल, मार्वलस। इसके साथ ही और वर्ड्स हैं, देखिए लेट्स सी, नाइस, नाइस, कोई वर्ड नाइस की जगह अगर हम यूज़ करते हैं तो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, एडमिरेबल हो सकता है, एमिएबल, चार्मिंग, कोजीनियल, कंसिडरेट, कॉर्टियस, डिलाइटफुल, एंजॉयबल, ग्रेशियस। ग्रेट वर्ड को, ग्रेट वर्ड से रिलेटेड और वर्ड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो वो है ऑसम, एक्सेलेंट, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनक्रेडिबल, मैग्निफिशिएंट, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग एंड फिनोमिनल। सो ये सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं। लेट्स सी सम मोर, लुक ओवर हियर, वर्ड्स विच आर रिलेटेड विद वर्ड हैप्पी एज एडजेक्टिव, एम्यूज्ड, ब्लिसफुल, ब्राइट, चार्म, चीयरफुल, कंटेंट, डिलाइटेड, ईगर, एंथुसियास्टिक। गुड से रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे अमेजिंग, एक्सेलेंट, एक्सेप्शनल, फैंटेस्टिक, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, प्लीजेंट, स्प्लेंडिड एंड स्टुपेंडियस। स्मॉल से रिलेटेड हो जाएंगे लिटिल, मिनी, मिनिएचर, मिनट, पेटेट, स्किम्पी, स्लाइट, टीनी वीनी एंड टाइनी। और इसी तरह
इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे, डिसिसिव, डिसिसिव, एसेंशियल, इवेंटफुल, एक्सटेंसिव, फंडामेंटल, ग्रेट, इम्परेटिव, फिर है की और मेजर। लेट्स सी सम मोर वर्ड्स, दीज आर द रिमेनिंग वर्ड्स। ओके, फनी, वर्ड्स रिलेटेड टू फनी आर एम्यूजिंग, एम्यूजिंग, कॉमिकल, एंटरटेनिंग, फॉर्शिकल, ग्लीफुल, गुफी, हिलेरियस, ह्यूमरस, हिस्टेरिकल। बैड वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स ये सारे आएंगे, ऑफुल, क्रमी, डिस्पिकेबल, डिसएग्रीएबल, डिसग्रेसफुल, ड्रेडफुल, हॉरिबल, लोजी, नॉटी। रिच से रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे, एफ्लुएंट, डीप पॉकेटेड, देन फैट कैट, इन द मनी, लोडेड और स्लैंग, मनी, ऑप्यूलेंट, प्रॉस्परस, वेल्दी। के बाद है सैड, सैड वर्ड से रिलेटेड देखिए क्या क्या है। सैड से रिलेटेड वर्ड्स आ जा रहे हैं, ग्लूमी, हेटफुल, हार्ट ब्रोकन, हैवी, मेलेंचली, मिजरेबल, मॉर्नफुल, सॉम्बर एंड सोरोफुल। तो इस तरह से आपने पढ़ा आज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स, आपको काफ़ी एग्जांपल दे दिए जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह के वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, इसमें से जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए। डेफिनेशन इसलिए हमने दो तरह के डेफिनेशन दे दिए, छोटे क्लास के अगर बच्चे हैं तो छोटे डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं और बड़े क्लास के बच्चे हैं सेकेंडरी के जूनियर्स के तो ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा एग्जांपल्स भी जितना पॉसिबल था उतना हमने आपको बताया। सो और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और एडजेक्टिव के काइंड्स उसमें पढ़े जाएंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसमें। Till then, goodbye, take care.